गिरिडीह संसदीय सीट से लगातार दूसरी बार निर्वाचित आजसू सांसद सीपी चौधरी का बागमारा के कतरा स्थित भाजपा कार्यालय में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सांसद सीपी चौधरी और भाजपा नेता शत्रुघ्न महतो उपस्थित रहे। स्थानीय भाजपा पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। सभी ने उन्हें जीत की बधाई भी दी। समारोह के माध्यम से सांसद ने सभी पार्टी पदाधिकारियों को आभार प्रकट किया और साथ ही ये भी कहा कि सबके सहयोग से आम जनों से संबंधित विकास कार्य को अंजाम देना है। जीतने के बाद और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर शपथ दिलाने के बाद आज का यह मेरा पहला दौरा है इस बागमारा विधानसभा क्षेत्र में और मैं सभी रेडियो लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ बागमारा के सभी जनताओं को मैं अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एनडीए उम्मीदवार के रूप में मुझे बनाया गया और लोगों का समर्थन सहयोग और प्यार मिला है। मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से जो भी इस क्षेत्र के विकास के लिए जो कार्य है निश्चित तौर पर जिस उम्मीद के साथ लोगों ने भरोसा जताया है तो मैं अपनी ओर से भरोसा दिलाता हूं। सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि आने वाले कार्यकाल में जो पूरा कार्यकाल हमारा बचा है उस कार्यकाल में पूरा करने का प्रयास करूँ। यह विषय सरकार का एनडीए का विषय है और निश्चित तौर पर यदि भरोसा है तो निश्चित तौर पर हमको आने वाले समय में विश्वास है कि एनडीए के झारखंड का मैं एनडीए का गठबंधन का हूँ और एनडीए की तरफ से के अकेला आजसू पार्टी की ओर से हूँ तो भरोसा है कि हमें भी आगे आने वाले समय में इस क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए और मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व करने का मौका।